जय माता दी। बच्चों, ओपन क्लासेस प्रयागराज में जो है, जो ब्रांच है ECI का, एरिस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का, आपको बता दें कि जो मानव शरीर के जो फैक्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, तो उसी की चर्चा आज हम करते हैं। तो जैसे पहला टॉपिक है शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री होता है और 58.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये यूपी टेट में आया था, टेट में 2019 में आया है, 2019 में, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। और दूसरा बच्चों, वैक्स व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या 206 होती है और बच्चों में इनकी संख्या होती है 300। और 94 हड्डियाँ जुड़ जुड़ कर जो है 206 हड्डी बचती है। बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी है, चाइल्ड में आपका 300 और हम लोगों में कितना, 206। अगला टॉपिक है खोपड़ी में अस्थियों की संख्या बच्चों 28 होती है। कितनी होती है, 28 होती है खोपड़ी में अस्थियों की संख्या। और कशेरुकाओं की संख्या बच्चों होती 33। और कशेरुक दंड आप जानते हैं, हम लोग कशेरुकी प्राणी हैं और इसी वजह से कशेरुकी प्राणी में, जो भी कशेरुकी प्राणी होते हैं, सब में अलग अलग संख्या होती है। लेकिन अगर मानव की बात करें तो कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती भाई, आपकी 33 होती है। और अगर ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या की बात करें तो ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या हम लोगों में जो होती है वो आपका होती है 7 ग्रीवा कशेरुकाएँ होती हैं भैया, ठीक ना। चाहे मतलब कि जो भी प्राणी हैं, चाहे चूहा हो, चाहे हाथी हो, चाहे जिराफ हो, सब में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 पाई जाती है। केवल एक प्राणी दुनिया में ऐसा है, इकलौता, जो आपका समुद्री गाय है, जिसको हम लोग सी काऊ कहते हैं, उसमें इसकी संख्या होती है आपकी 6 होती है। और अगला है पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है, है ना, 12 जोड़ी होती है पसलियों की संख्या। ये आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। और इसके बाद आगे बता दें आपको, अगला है आपका लाल रक्त कणिकाओं की संख्या तो 4-5 लाख होती है। अगर इनके उम्र की बात करें, जीवन की बात करें, तो 120 दिन होता है इनका जीवन काल। रेड ब्लड क्रॉपसिल जिसको कहते हैं RBC कहते हैं, RBC कहते हैं, रेड ब्लड क्रॉपसिल कहते हैं बच्चों। और इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से लाल होते हैं ये, ठीक है ना। और हम लोगों में हीमोग्लोबिन 12 से 14 पर 100 ml होता है, 12 से 14 100 ml होता है। महिलाओं में होता है 12 से 13 ml होता है। और सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की संख्या बाबा रामदेव में है, 16 से 18 है उसमें। तो जाने दीजिए बच्चों, अगली बात करते हैं आपसे WBC की। WBC इनका जो उम्र है, इनकी जो आयु है, वो 1 से 3 दिन होती है बच्चों। अगला फैक्ट आपका है श्वसन गति, यानी श्वसन गति कितनी होती है हम लोगों में, तो आपको बता दें कि श्वसन गति होती है 14 से 16 बार, यानी एक व्यक्ति एक मिनट में 14 से 16 बार श्वसन क्रिया करता है। अगला फैक्ट है हृदय की गति। हम जानते हैं हम लोग कशेरुकी हैं और मानव में हृदय की संख्या कितनी होती है बच्चों, एक हृदय होता है लेकिन 4 चैम्बर होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेडिकल के लिए कि पेट्रोमाइजान में हार्ट 1 चैम्बर होता है और मछलियों में हार्ट 2 चैम्बर होता है और सर्पों में 3.5 चैम्बर होता है, सरसिपों में 4 चैम्बर होता है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर होता है, पक्षियों में 4 चैम्बर होता है, हम लोगों में 4 चैम्बर होता है, काकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, मेढक, अरे उसमें आपका केचुआ में 4.5 जोड़ी होते हैं,
इस तरह से बच्चों हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये। हृदय की बात कर रहे थे तो हम लोगों का जो हृदय होता है एक मिनट में 72 बार धड़कन करता है, 72 बार, और अगर एक बार निकालेंगे तो 0.8 मिनट निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से भैया हम लोगों का हृदय गति की बात है। अब आपसे हम बात करते हैं दंत सूत्र के बच्चों, तो जानते हैं कि शरीर में दंत सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम लोगों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं बच्चों, और इनका फार्मूला है इनका प्रेम होगा, इनका इनका है इनका प्रेम, IN से इंसाइजर, CA से कैनाइन, प्री से प्रीमोलर, M से मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं बच्चों, और जो दांत होते हैं शरीर के सबसे कठोर भाग होते हैं, समझे ना। दांत का इनेमल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है, ठीक है। और दंत सूत्र की बात करें तो इंसाइजर आपका जो है 21-23 होता है इसके दंत सूत्र, यानी कि इंसाइजर 2x2, कैनाइन 1x1, और प्रीमोलर 2x2, और मोलर 3x3। इस तरह से 8 दिन 16 16 दिन 32 दांत हम लोगों में होते हैं बच्चों। और दूध के दांत कितने होते हैं आप लोगों में? 20 दांत होते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि कितने दांत जीवन में एक बार निकलते हैं, तो 12 दांत। और एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि बुद्धि का दांत कितने साल की उम्र पर निकलता है बच्चों, तो बुद्धि का दांत जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं ये 18 साल की उम्र में निकलता है, और ये 3rd molar होता है। क्या होता है भैया? 3rd molar होता है, ठीक। इस तरह से दांत की बात कर रहे थे। अगर आपसे हम बात करें ब्लड प्रेशर की, रक्त दाब की बात करें, तो ये होता है 120/80, यानी कि 120/80, अधिकतम 180 है और न्यूनतम, अरे अधिकतम 120 है और न्यूनतम 80 है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। अगला बच्चों मस्तिष्क का भार, तो प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम, और या 1450 ग्राम कह सकते हैं, लगभग 1.5 किलो का वजन होता है मस्तिष्क का। भगवान ने सबको मस्तिष्क बराबर दिया है, सबका मस्तिष्क एक बराबर होता है। और इससे अगर सीसी में बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो 1450 सीसी होती है, ठीक है बच्चों। अगला है, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1250 ग्राम। कितना होता भाई आपका? 1250 ग्राम होता है महिलाओं के मस्तिष्क का भार। और गुणसूत्रों की बात करें हम, तो गुणसूत्रों की संख्या हम लोगों में होती है 23 जोड़ी। कितना होती है? 23 जोड़ी। और 23 जोड़ी होगा तो कितना हो जाएगा? 46। हम लोगों में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। ये कई बार आपसे पूछा गया है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं बच्चों हम लोगों में, है ना। और जानते हैं गुणसूत्रों की अनियमितता की वजह से ही आपका कई सिंड्रोम होते हैं, जैसे आपका एक होता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम बच्चों, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है जिसमें आपका 47 गुणसूत्र होते हैं, इसको मंगोलिक बेवकूफ़ी रोग भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका टर्नर सिंड्रोम होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, कम होती है बच्चों। इस तरह से आपका है ये। अगला फैक्ट है, मानव शरीर के विभिन्न रोग और उनके कारक, तो बच्चों विभिन्न रोग की बात कर रहे थे, तो आपसे बात करते हैं विषाणु जनित रोग। तो इसमें आपका है पहले खसरा है जो मोबिली वायरस होता है, चेचक, जानते बच्चों चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, और चिकन पॉक्स छोटी माता बड़ी माता कहते हैं। तो छोटी माता वेरियोला से होता है, वायरस से होता है बच्चों,
अगला है पोलियो, और पोलियो में आप जानते हैं पोलियो माइलाइटिस की वजह से होता है पोलियो, और पोलियो का मुख्य टीका शेविन ने खोजा था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सस्ती में आया भी है। और पोलियो के इंजेक्शन की खोज साल्क ने किया था, जोनास साल्क ने। साल्क और सेबिन याद कर सकते हैं आप कि पोलियो के इंजेक्शन की खोज साल्क ने किया था और पोलियो के मुखी टीका की खोज सेबिन ने किया था। अगला बच्चों रेबीज, ये कुत्ता काटने से होता है, और इसका एक नाम और है हाइड्रोफोबिया। क्या नाम इसका? हाइड्रोफोबिया, यानी इसमें डर लगता है पानी से। और बच्चों इसमें जो है इसीलिए लोग कुआं झकाते हैं कंफर्म करने के लिए कि कुत्ता काटा है, पागल है कि नहीं, रेबीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रेबीज वायरस की वजह से होता है बच्चों ये। अगला है एड्स, जानते हैं ये आरएनए विषाणु से होने वाला रोग है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और एड्स का पूरा नाम होता है बच्चों एक्वायर्ड होता है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट गैलो और लुइस मोंटेग्नियर। रॉबर्ट रॉबर्ट गैलो और लुइस मोंटेग्नियर बच्चों। और एड्स कोई रोग नहीं है बल्कि सभी रोगों की जड़ है ये, क्योंकि इसमें हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। और ये होता किससे? एचआईवी से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस से। और इसका एक नाम और है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस से होता है एड्स। और बच्चों अगला है आपका हर्पीज होता है, फिर इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जो होता है वो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाइस होता है। देखिए सब एक प्रकार से ये, जैसे सबसे पहले लोगों को जुकाम होता है, जुकाम से इन्फ्लुएंजा होता है, जब जुकाम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। और इन्फ्लुएंजा बढ़ जाएगा तो आपका जुकाम, फिर आपका इसिनोफिलिया, फिर इन्फ्लुएंजा, फिर हेपेटाइटिस, और अंत में टीबी हो जाता है, ये एक चेन चलती है बच्चों। अगला है गलसुआ, इससे होता है मम्स वायरस, मम्स वायरस से होता है गलसुआ, जो गले संबंधित रोग है। अगला बच्चों हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस वायरस से होता है और ये एक खतरनाक रोग है, हेपेटाइटिस के टीके भी लगते हैं। अगला है जेनाइटल हर्पेटाइटिस, ये सिंप्लेक्स वेजाइनिस से होता है और ये ल्यूकेरिया टाइप का रोग है, इसमें जो है योनि से एक प्रकार से वाइट रंग का पदार्थ निकलता है और आप कह सकते हैं कि ल्यूकेरिया डिसीज है, ल्यूकेरिया वायरस होता है। अगला भैया आपका है जीवाणु जनित रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग बच्चों। आप जो जीवाणु जानते हैं, जीवाणु से कई रोग होते हैं, जैसे क्षय हो गया, टीबी रोग, तो ये टीबी रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। और टीबी एक संक्रमित बीमारी है, इसे गंदगी का रोग कहते हैं, और जो कम लोग खाना खाते हैं गंदगी का रोग, यानी पसीने का रोग भी कह सकते हैं आप, और जो लोग कम खाना खाते हैं आधे पेट रहते हैं, उनको टीबी ज़्यादा होता है, और ये टीबी होने पर उनके लंग्स प्रभावित होते हैं। और बच्चों स्वास्थ्य रोग है टीबी और बहुत ज़्यादा संक्रमित होता है। दूसरा हैजा है, हैजा बच्चों बिब्रियोकोलेराई नामक जीवाणु से होता है, और इसे खाना पानी का रोग कहते हैं, अगर किसी को हैजा हो गया है, जैसे पोलियो खाना पानी का रोग है, और हैजा भी गंदगी से होता है, और इसको फैलाने का काम मक्खियाँ करती हैं। और मक्खियों की बात करें तो डॉक्टर रमेश गुप्ता ने मक्खियों की तुलना जो है एटम बम से किया है, किससे? एटम बम से किया है, जो बहुत ही खतरनाक होती हैं ये। लेकिन मक्खियों से कोई रोग होता नहीं, ये रोग फैलाने का काम करती हैं। अगला बच्चों कुष्ठ रोग, जिसको कहते हैं कोढ़ कहते हैं, और इसको बोलते हैं लिप्रेसी,
ये त्वचा संबंधित रोग होता है बच्चों, और इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रेई नामक जो है जीवाणु से होता है। इसमें त्वचा पे दाग पड़ जाते हैं सफ़ेद, इसको सफ़ेद दाग भी कहते हैं बच्चों। और ये कोढ़ हमारे समाज में अभिशाप माना जाता है, समाज के लोग कोढ़ी को जीने नहीं देते। अगला बच्चों डिप्थीरिया है, और ये कोनी बैक्टीरियम डिप्थेराई से होता है, और आपको बता दें। फिर अगला है टिटनेस, इसको धनुषाकार रोग कहते हैं, जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी से होता है बच्चों, जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी नामक प्राणी से होता है, जीवाणु से होता है। इसमें शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियों में दर्द होता है और बहुत दिक्कत होती है। अगला है बच्चों प्लेग रोग, जो पास्टोरेला पेस्टिस से होता है। और अगला है बच्चों आपका टाइफाइड, जो साल्मोनेला टाइफी से होता है। अगला सिफैलिस, ये आपका लिंग संबंधित रोग है, जो सिफैलिस टिप्नोसोमा पेलिडियम से होता है बच्चों। अगला रोग है निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, और निमोनिया रोग फैलता है बच्चों। काली खांसी को हूपिंग कप कहते हैं, जो बोलेडिला पर्टुसिस से होता है, और इसके लिए टीका लगता है, जो है आपका DPT का टीका लगता है, जो ट्रिपल एंटीजन है। कैसा एंटीजन? ट्रिपल, यानी एक टीका लगवाइए, तीन रोगों से छुट्टी पाइए आप, मुक्ति, डिप्थीरिया से, पर्टुसिस से, टिटनेस से। और बच्चों इसके बाद फिर आपका सुजाक आता है, जो गोनोकस गोनराई से होता है, सुजाक रोग पुरुषों में होता है ये। और इससे बच्चे इसके बाद बच्चों हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया रोग, और मलेरिया की चार जातियां हैं, चार जातियों से प्लाज्मोडियम को होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवूल, और इसको फैलाने का काम करती मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला है काला जार रोग, जो लीशमानिया डोनोवीनी से होता है भैया, और काला जार रोग होता है। अगला है सोनिक बीमारी, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। और इसको जो है ट्रिप्नोसोमा से होता है, ट्रिप्नोसोमा गैमेंसिस होता है, और इसको फैलाने काम सीसी मक्खी करती भैया। अगला है बच्चों पायरिया रोग, ये एंट अमीबा जिंजिवेलिस से होता है, और इसका संक्रमण चुम्बन द्वारा होता है, और मसूड़े में सूजन आती है, और दबाएंगे तो इससे जो है मेवाज निकलती है, मुंह से बदबू आती है। अगला बच्चों अमीबासिस रोग होता है, अमीबिक डायसेंट्री बोलते हैं, और ये एंट अमीबा से होता है, एंटमीबा स्टोलाइटिका से। इसमें इसको खूनी पेचिस भी कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? खूनी पेचिस बोलते हैं। अगला है आपका कवक जनित रोग, और कवक जनित रोग में आपका है खुजली, जो एस्केरिज स्कैबिस से होता है बच्चों, दाद होता है ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से होता है, एथलीट फुट जो है ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक से होता है बच्चों। अगला आपका है कृमि जनित रोग, कीड़े के माध्यम से जो रोग होता है, इसमें प्रसिद्ध है स्कोरियोसिस, जो स्कैरिस लुम्बिकॉइडिस से होता है, छोटे छोटे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और वो स्कैरिस से हो जाता है, मिट्टी में इसके होते हैं। और इसके इलाज के लिए चिनोपोडियम का तेल ये आप यूज कर सकते हैं बच्चों, जिसको हम लोग बथुआ तेल भी कहते हैं, चिनोपोडियम आयल, चिनोपोडियम आयल, समझ गए आप लोग। अगला टीनियासिस होता है, टीनिया सोलियम से होता है बच्चों, ये सुअर का कच्चा मांस खाने से होता है बच्चों। अगला है फाइलेरियोसिस, और ये होता है बाउचेरिया बनक्रप्टाई से, इसको हम हाथी पांव रोग कहते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छी दवा हेट्रोजोन है, समझे बच्चों? हाथी पांव हो जाता फिर ठीक नहीं होगा अगर बढ़ गया तो। इस तरह से भैया आपका ये इतना टॉपिक है आपका, और थोड़ा सा बैटरी स्विच ऑफ हो सकती है, इतना ही पढ़िए आप लोग, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो बच्चों अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो आप देखते रहिए, और हम ले आएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।